अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इमरा राजा। नाज़रीन, आज बात करेंगे माशरे में काम करने वाली खावतीन के मसाइल कि उनको किस किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में औरत खुद को कैसे मनवा सकती है। हमने देखा है कि इस सोसाइटी में औरत ने खुद को मनवाया है, किसी ने मरियम मुख्तार की सूरत में तो किसी ने आरफा करीम की सूरत में और किसी ने मलाला यूसुफ जई जैसे शख्सियात जिन्होंने पीस नोबेल प्राइज अवार्ड हासिल किया। तो इस सब के हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर शहजादी जो कि माहिर नफ्सियात हैं और इफ्फत सोमरो जिनका ताल्लुक सुबाई संधि से एडवोकेट हाईकोर्ट में है। जी सुंदर, सुंदर आज हम बात करेंगे कि माशरे में खवातीन को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, दौरान मुलाजमत वो क्या क्या फेस करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि हरासमेंट को अगर सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हरासमेंट है क्या, क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की कॉज का पता नहीं होगा हम उसके सोल्यूशन की तरफ वे फॉरवर्ड नहीं जा सकते हैं। तो हरासमेंट सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन होती है। एक इंसान कोई ना कोई सुपीरियर होगा, दूसरा इंफीरियर होगा, और जो सुपीरियर है वो इंफीरियर के अपने ऊपर अपनी पावर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। देन हरासमेंट में किसी भी तरह का अनवांटेड फिजिकल एक्ट हो सकता है या वर्बल एक्ट हो सकता है, सेक्सुअल एक्ट हो सकता है, जिससे डेफिनेटली दूसरा इंसान ह्यूमिलिएट होता है, अफेक्ट होता है और ऑफेंड होता है। अब अगर इसके कॉजेज की हम बात करें तो इसके डिफरेंट हमें स्कूल ऑफ थॉट मिलते हैं जिनको पढ़ के, जिनको देख के हम समझ सकते हैं कि लोग हरासमेंट क्यों करते हैं और पीछे उसकी वजह क्या होती है। सबसे पहले तो अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो जेंडर रोल सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है कि मेल्स को डोमिनेटिंग रोल मिलता है, उनको वैसे ही एक हेजमोनिक रोल मिलता है कि दे आर द सुपीरियर पर्सन, दे आर द पर्सन हु आर मोर पावरफुल एंड दे आर मोर डोमिनेंट। तो ऑटोमेटिकली बेशक वो इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि बेशक ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो अपनी एक पावर को एक्सरसाइज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उन लोगों पे जो उनसे वीक होते हैं। तो हेजमोनिक मेल डोमिनेंस बहुत मेजर रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू हैरेसमेंट ऑफ एनी काइंड। देन डेफिनेटली जो उनसे वीक लोग होंगे उनके ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, अपना काम निकलवाएंगे एंड एक्सेट्रा। देन अगर हम इसको पावर परस्पेक्टिव से देखें तो अगेन जो डोमिनेंट होगा, जिसके पास ज्यादा पावर होती है, वो दूसरे वीक इंसान पे अपनी पावर एक्सरसाइज करता है ताकि ही कैन गेट व्हाट ही इज विशिंग फॉर इट। देन अगर हम उसके आगे बात करें कि एक आप सुनते हैं वल्नरेबल विक्टिम हाइपोथेसिस के, जो विक्टिम है वो ज्यादा वल्नरेबल होता है, डेफिनेटली वो डोमिनेंट नहीं है, उसके पास पावर कम है, तो अगेन वो ज्यादा वल्नरेबल होगा और हरासमेंट ऑफ एनी काइंड। अगेन के उसका मे बी पावर कम है, स्टेटस कम है, डोमिनेंस कम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो छोटे रोल पे है या घर में, या फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, कोई भी इंसान जिसके पास पावर कम है वो ज्यादा शिकार होते हैं इस चीज का। देन अगर वो एक्सप्रेस कर भी लेते हैं इस चीज को तो मोस्टली परपेट्रेटर्स जो हैं वो उससे उनको अफेक्ट नहीं होता, उनको सजा नहीं मिलती, विक्टिम भी एंड पे ब्लेम किए जाते हैं और विक्टिम जो है मोस्टली हेजिटेट करते हैं, वो किसी को बताते भी नहीं है कि हमारे साथ इशू हुआ है या नहीं हुआ। एंड देन अगेन आपको बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइजेशन फेस करनी पड़ती है, टैबू फेस करना पड़ता है, एंड एट द एंड मोस्टली लोग अगर हैरास हो भी रहे हों तो वो बताते नहीं है। अगर एक कॉन्सेप्ट होता है पावर स्ट्रेच का, कि फॉर एग्जाम्पल हमें शुरू से हम फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को या माइनॉरिटीज में एक चीज एम्बेडेड होती है कि यू आर वीक, आप कुछ नहीं कर सकते, आप चुप रहें, ठीक है। जैसे एक लड़कियों को भी, गर्ल्स को भी सिखाया जाता है कि आप चुप रहें, आप मत बोलें एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली जब उनको शुरू से ये चीज सिखाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे जेंडर को डोमिनेट कर रहे हैं। जब वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे तो डेफिनेटली उनके साथ कोई भी चीज हो रही है, कोई भी बुरा एक्ट हो रहा है, वो उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो अगेन अगर इसमें मेल फीमेल दोनों का रोल आ सकता है, जो भी डोमिनेंट है, अगर किसी को शुरू से आपने सिखाया ही नहीं है स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना, अपने लिए कुछ बात करना, तो डेफिनेटली अगर उससे कोई भी कोई बुरा एक्ट हो जाएगा वो नहीं बोलेगा। तो अगेन अगर शुरू से एक खातून को, किसी बच्चे को आप यही सिखा रहे हो कि यू आर वीक एंड यू डोंट नीड टू स्पीक, तो अगेन उससे कोई भी एक्ट होगा वो नहीं बोलेगा।
अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर फीमेल बॉसेस भी होती हैं, दे आर हरास्ड बाय देयर सबऑर्डिनेट्स, बाय देयर पीयर्स. ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट होती है कि अगर ऑनलाइन कोई डिस्कशन हो रही है एंड एट द ऑपोजिट एंड कोई मेल है तो वो उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है इन द डिफिकल्ट वे, एंड डेफिनेटली दैट कम्स अंडर हरासमेंट. देन आप ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल कुछ रोल्स इस तरह के होते हैं, जैसे डोमेस्टिकली अगर आप कुछ वर्कर काम कर रही है या डे केयर में कोई इंसान काम कर रहा है या होटल रूम अटेंडेंट है, अब उन कुछ बॉसेस वहाँ पे या मैनेजर्स ये समझते हैं कि यहाँ पे अपनी पावर को एक्सरसाइज करना इज ओके. अब वो पावर को एक्सरसाइज अनहेल्दी वेज में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ हरासमेंट. कि अब वहाँ पे ये है कि जो हरास हो रही है खातून वो भी नहीं बोल सकती, बिकॉज डेफिनेटली अगर वो बोलेगी तो उसकी जॉब को खतरा होगा. खतरा होगा बिल्कुल. मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिर वो बोलते ही नहीं है एंड द हरासमेंट कंटिन्यूज. तो वहाँ पे एक इंसान अपनी पावर को मिस यूज कर रहा है, अपनी जो भी उसकी सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल पोजिशन है उसको एक अनहेल्दी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है एंड ही इज गेटिंग वट ही वॉन्ट्स टू गेट. अब कुछ सिचुएशन में जो हरासर होता है, फॉर एग्जाम्पल दोज हरासर्स दैट आर हरासिंग चिल्ड्रन और एनीवन सबॉर्डिनेट टू देम, ईदर दे पनिश देम और दे गिव देम एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड. कि अगर आप चुप रहोगे, अगर आप बोलोगे नहीं तो आई विल रिवॉर्ड यू इन सम वे. तो सुमन, आपको नहीं लगता है कि ऐसी कोई पॉलिसीज एस्टैब्लिश होनी चाहिए कि अगर औरत प्रेशराइज हो रही है या ऐसी सब चीजें फेस करनी पड़ रही है उसको, तो उन सब चीजों के लिए स्टैंड ले सके? बिल्कुल, डेफिनेटली होना चाहिए. वही बात है कि फर्स्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज. जब आपको कॉज पता चल जाता है, आप ऑटोमेटिकली उसके सोल्यूशन की तरफ आराम से मूव ऑन कर सकते हैं. आप एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आप कैसा हो, आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे खवातीन को इतना रोल मिले कि अगर वो कोई बात कर रही है तो उनकी बात सुने, एक्सेप्ट करें, ना कि अगेन उन्हीं को ब्लेम करना शुरू कर दिया जाए. बिकॉज डेफिनेटली इसमें कोई एक पॉलिसी काम नहीं करेगी. दिस इज चेंज ऑफ अ कंप्लीट माइंड सेट. एक इंसान बोल रहा है तो आप दूसरे इंसान उसकी रिस्पेक्ट से बात सुन रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. पॉलिसीज होनी चाहिए हर जगह पे, इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर बीइंग हरास्ड एंड दे डोंट इवन नो कि दे आर बीइंग हरास्ड, और उनको नहीं पता कि टू व्हाट पर्सन दे कैन कम्युनिकेट. तो अगर कोई पॉलिसी बन रही है तो वो इतनी पब्लिक लेवल पे हो कि लोगों को पता हो कि ये हरासमेंट है, इसको इस तरह से आपने किसी के सामने प्रेजेंट करना है, कहाँ पे कंप्लेन करनी है, किस इंसान के पास जाके अपनी बात कर सकते हैं. पहले तो इस हरासमेंट के हवाले से अवेयरनेस दी जाए लोगों को, ताकि लोग इस चीज पे डिफ्रेंशिएट कर सके बेसिकली हरासमेंट है क्या. क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज को भी मैंने हरासमेंट केस बना लेते हैं लोग, और उस चीज पे वो जो है उसको पब्लिकली उसको अनाउंस करना शुरू करते. तो ये चीज तो फिर अवेयरनेस, इस चीज की अवेयरनेस की बहुत शदीद जरूरत है. बहुत शदीद जरूरत है. एंड द पॉइंट इज कि आप बिल्कुल छोटे लेवल से अवेयरनेस स्टार्ट करें तभी वो अफेक्ट करती है. आप बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली आप जाएंगे, लेकिन आप छोटे बच्चों को इन स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, ताकि अवेयरनेस फैले. जितना आपको अवेयरनेस होगा अपने राइट्स के बारे में, आप उतना अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं. जो कुछ एक्ट या हम प्रोग्राम्स कर सकते हैं अबाउट सेक्सुअल वायलेंस प्रिवेंशन, कि आप उनको एजुकेट करें कि दिस इज अ हेल्दी एक्ट एंड दिस इज एन अनहेल्दी एक्ट, दिस इज अ हेल्दी टच एंड दिस इज एन अनहेल्दी टच. इस पे आपने रिपोर्ट करना है, बताना है, स्टैंड लेना है. बिल्कुल. सुंदर, यहाँ बात करते हैं जॉब्स की. पहली बात तो औरतों को तो नौकरियां मिलती ही नहीं है, और अगर नौकरियां मिलती नहीं है तो वो कुछ मखसूस करती गई है हमारी सोसाइटी में. रिसेप्शनिस्ट है, फोन ऑपरेटर है, मॉडलिंग है, ये सब चीजें मखसूस औरत के लिए क्यों कर दी गई है, इस बारे में क्या कहनी है आप? वो भी ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया ना, कि एक तरह से लेबल लगा दिया कि वुमेन आर देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन. कि वो बस उनको एज एन ऑब्जेक्ट हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एज अ सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेश कर सकते हैं. नो डाउट अगर वो लड़कों से ज्यादा भी पढ़ी हुई हो, उनकी स्किल्स ज्यादा हो, लेकिन उनको जॉब हमेशा उनसे लोअर लेवल में मिलती है, अगर उस लेवल की मिल भी जाए तो उनकी पे कम होती है. तो उस तरह की इक्विटी हमें जॉब में नजर नहीं आती अगर हम कंपेरिजन करें मेल और फीमेल का. तो इसमें डेफिनेटली आप देखिए, यहाँ पे बेशक फीमेल्स अपने लिए स्टैंड ले भी लें, बट स्टिल जब उनको ऊपर से कोई स्टैंड नहीं मिल रहा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ही काम नहीं करेगी, तो डेफिनेटली फीमेल उसमें वहाँ पे क्या करेगी. तो एक बहुत मेजर चेंज आने की जरूरत है कि अगर एक खातून की अच्छी एजुकेशन है, अगर वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, तो उसको वो चीज एक्सेप्ट की जाए, उसको वो रोल, उसको वो राइट दिया जाए उसका. बिल्कुल.
औरत को सरापा की बुनियाद पर एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी हो गया हमारे माशरे में? हम देखते हैं कि डिफरेंट जगह औरतें जाती हैं जॉब के लिए, तो मैं एक सरापा जो है वो मखसूस कर दी गई एक्सेप्ट उस चीज को करने के लिए, तो ये इस चीज आपको कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए अगेन इसमें एजुकेशन का बहुत रोल है कि खातून को पता हो कि उसके उसके क्या रोल्स हैं, उसके क्या राइट्स हैं, वो कहाँ पे स्टैंड ले सकती है, कहाँ पे वो स्टैंड नहीं ले सकती. मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने पहले कहा कि लड़कियों को शुरू से ये सिखाया जाता है कि यू आर वीक और आपने बोलना नहीं है. अब बेशक वो एमफिल भी कर ले, पीएचडी भी कर ले, दैट गर्ल वॉन्ट स्पीक, क्योंकि उसको वो चीज सिखाई नहीं गई, उसके अंदर वो चीज है ही नहीं, वो स्किल है ही नहीं, कम्युनिकेशन उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है. तो सबसे पहले आप जब पढ़ रहे हो तो आपकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग हो कि आप दूसरे इंसान को अपनी बात मनवा सकें, मैनिपुलेट कर सकें कि यस आई कैन डू दिस, आप मेरे स्टैंड ले सकें. तो आप क्या समझते हैं खातून को कैसे महफूज माहौल मैसर किया जा सकता है? महफूज माहौल अगेन सबसे पहले तो ये बहुत ब्रॉड चेंज है. आपको सबसे पहले तो एजुकेट करना चाहिए खातून को, बच्चियों को, कि ये आपके राइट्स हैं एंड यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर देम. जब तक उनको अपने राइट्स का पता नहीं होगा वो स्टैंड अपने लिए नहीं ले सकेंगी. देन उनको ये सिखाना समझाना कि अपने लिए स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है इसमें. फॉर एग्जाम्पल जैसे आज भी न्यूज आई होगी, सबने देखी होगी कि अ गर्ल वॉन्टेड टू डू लव मैरिज और उसकी चूल्हा ने सारे बाल काट दिए और जीरों से बांध के रख दिया. सो दिस इज हाउ इट इज. आप सोसाइटी में एकदम से रेडिकल चेंज नहीं ला सकते, लेकिन जितने स्केल पे आप काम कर सकते हैं, जिस जगह पे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं वहां पे जरूर इम्पैक्ट क्रिएट करें. अगर आप पूरी सोसाइटी को नहीं भी चेंज कर सकते, एटलीस्ट अपनी फैमिली में चेंज लेके आए कि आपकी बच्चियों को पता हो कि हाउ दे आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर देयर सेल्फ. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को किस तरह खत्म किया जा सकता है इस सोसाइटी में? खत्म करना तो इट्स अ वेरी बिग एंड मेजर रोल जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी है सोसाइटी के लिए. बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है. नियर फ्यूचर में तो खत्म होता नजर नहीं आता, बट एक ही चीज है कि अगर आप अपनी राइट्स के बारे में वोकल हो, आपको पता हो कि आपने कब कम्युनिकेट करना है, इंस्टेड ऑफ कि आप चुप करके और हरास होकर बैठ जाएं, स्पीक अप. आप जितना बोलेंगी उतना अवेयरनेस क्रिएट होगी. फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की, फॉर ऑफिस में 10 लड़कियां हरास हो रही हैं, 10 लड़कियां नहीं बोलेंगी, शायद एक बोल ले. अब उसमें कोई ना कोई डिफरेंस तो है ना. अगर वो स्टैंड लेगी तो ऑटोमेटिकली बाकी लड़कियों में भी हिम्मत आएगी कि ओके आई कैन टेक स्टैंड टू, हम भी स्टैंड लेंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, हमें हमारा हक मिलेगा. तो आप अगेन वही है कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू करने की जरूरत है. अगर पूरी सोसाइटी में चेंज नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट उतना आ जाएगा जितना एक हेल्दी वर्जन आपका गुजारा होना एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए. तो मर्दों के इस माशरे में औरत खुद कैसे मनवा सकती है? मनवा देखिए कोई भी ये बाहर से आके हमारी जिंदगी को ड्राइव अप नहीं करेगा, हमें जिंदगी के फ्रंट सीट में खुद ही बैठना होता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि मर्द हमारी बात माने एवरीथिंग. हमें खुद पे, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए. हम अगर आपको लगता है आप नेक्स्ट इंसान को, अगले बंदे को ठीक नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो लेट इट बी. आप अपने ऊपर इतनी पावरफुल हो जाएं कि आपको किसी के डिपेंडेंस की जरूरत ना पड़े. इफ यू थिंक कि ठीक है आपकी इतनी सपोर्ट नहीं होगी मेल फ्रॉम मेल साइड ऑफ फैमिली या मेल साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मेल साइड ऑफ जॉब, तो बी सेल्फ डिपेंडेंट, बी सेल्फ रिलायंट. इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरों की तरफ देखें किसी काम के लिए, खुद इतनी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट हो जाएं कि आपको किसी के ऊपर देखना ना पड़े, काम ना, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े. बिल्कुल ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत सारे मजबूर होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, जो घरों से निकलते हैं, और फिर उनके बॉस जो है वो इस बात पे टर्मिनेट कर देते हैं कि हैव अ कप ऑफ टी. तो ये कप ऑफ टी क्यों जरूरी है? सॉरी कैन यू रिपीट? मैंने कहा कि बहुत सारे मजबूर होते हैं जो घरों से निकलते हैं जॉब के लिए, तो उनको इस बात पे टर्मिनेट कर दिया जाता है कि उनके बॉस ऑफर करते हैं हैव अ कप ऑफ टी. तो ये हैव अ कप ऑफ टी क्यों जरूरी है? ये देखिए दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज रनिंग. ये काइंड ऑफ एक तरह का पैटर्न बनता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड डेफिनेटली इट्स एन अनहेल्दी पैटर्न, इट नीड्स टू एलिमिनेट. इसके लिए जब फॉर एग्जांपल अब कुछ खवातीन को अगर ये ऑफर की भी जाती है कि हैव अ कप ऑफ टी, कुछ खवातीन ऐसी होंगी जो चुप करके आ जाएंगी, कुछ खवातीन ऐसी होंगी जो कि इस बात पे वोकल होंगी, वो दूसरों को भी बताएंगी या मीडिया तक बताएंगी कि दिस इज हाउ इट इज, इस तरह से मुझे कहा गया है या कम्युनिकेट किया गया ताकि उसके लिए कोई स्टैंड लिया जा सके.
जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी. अगेन मीडिया का इसमें बहुत मेजर रोल है कि हाउ मीडिया पोर्ट्रेइंग हैरेसमेंट. फॉर एग्जांपल कि अगर आपके जो ड्रामाज हैं, प्रोग्राम्स हैं, आप उनमें किस तरह से हैरेसमेंट को शो करें एंड हाउ यू आर टेलिंग योर ऑडियंस की किस तरह से आपने इस पर स्टैंड लेना है. तो एवरी पर्सन कैन प्ले देयर ओन रोल फॉर मॉडिफाइंग द सोसाइटी. हम देखते हैं कि खातिन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है. काफी ऐसे संदिग्ध आए हैं कि काफी केसेस भी आए हैं सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुए हैं कि औरतें जो हैं ट्रैवल कर रही हैं, लोगों ने हरास किया है और तरह तरह के वो गंदे वो कॉम्प्लीमेंट जो माशरे में गुजरते मर्द औरत को देते हैं, तो इस चीज के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस चीज के हवाले से मैं एक ही बात कहूंगी कि जैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दिस इज दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट वी नीड टू जस्ट एक्सेप्ट इट. बिकॉज फॉर एग्जांपल यू अगर आप ये कहें कि विद एनी काइंड ऑफ रेडिकल चेंज आप इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दें तो दैट इज नॉट पॉसिबल. आप इतने स्ट्रांग हो कि आप उस चीज को मैनेज अप कर सको. फॉर एग्जाम्पल अगर मी माई सेल्फ हैव ट्रेवल्ड इन लोकल ट्रांसपोर्ट एंड आई नो ऑल द डिफिकल्टीज ऑल द प्रॉब्लम्स दैट अ गर्ल फेसेस. अब वहां पे इतना आप स्ट्रांग हो कि अगर कोई आपकी तरफ आने की कोशिश ना करे, कोई आपकी तरफ तभी आने की कोशिश करता है जब आप वीक होते हैं, कमजोर होते हैं. आप एक इंसान को चेंज कर सकते हैं, आप दो को कर सकते हैं. यू कैन नॉट चेंज होल सोसाइटी एट वन टाइम एट वन पॉइंट. अगर आप स्ट्रांग होंगे, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, अगर आप डिफेंसिव नजर आओगे तो नो वन इज गोइंग टू कम नियर टू यू. जितना आप वल्नरेबल शो होगे, जितना आप वीक शो होगे, उतना लोग आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उतना आपको वो हर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो डेफिनेटली हर्डल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. फीमेल्स की लाइफ में ज्यादा हर्डल्स होते हैं ऑटोमेटिकली. तो इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू डू समथिंग डिफिकल्ट, अगर आप डिफिकल्ट टास्क करने जा रहे हो तो अपने आप को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखें कि आपको किस तरह की हर्डल्स आएंगे एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद देम, हाउ यू आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ. सुबह हर लड़की स्ट्रांग होती है, मतलब आप हैं, मैं हूँ, हम अगर कहें कि हम स्ट्रांग हैं, सोसाइटी में वो कर सकते हैं, लोगों से मुकाबला भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे और बहुत लड़कियां हैं जो स्ट्रांग नहीं है, ना उनकी पर्सनालिटी इतनी बोल्ड है कि वो लोगों को शतक कॉल दे सके, लोगों को उसी वक्त उस चीज का जो है जवाब दे सके. तो उस हवाले से आप कहेंगे कि उन लड़कियों को स्ट्रांग कैसे किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले एजुकेशन ये कि बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, घर से स्टार्ट करें. फॉर एग्जांपल जैसे एक हमारी रीसेंट डिस्कशन हो रही थी अबाउट द होल मोटरवे केस जो भी कुछ दिन पहले हुआ है, एंड वी डिस्कस्ड कि हर लड़की को, हर खातून को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए. अब वो जिस तरह से भी वो सीख रही है, बेशक अब आजकल कितनी क्लासेस होती है सेल्फ डिफेंस की, तो आपको अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई इंसान कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है या हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकें. कि हम लोग क्या होता है कि एक दफा हमें डरा दिया जाता है और हम लोग बैठ जाते हैं. हम जितना डरेंगे उतना वो चीज उनका दूसरे इंसान का एक रीइंफोर्स होता रहता है और वो दोबारा दोबारा वो एक्ट करता है. जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप मुझे बोलेंगे नहीं, वो एक्ट रुकेगा नहीं. तो आपको अपनी सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए. हाउ यू आर गोइंग टू डिफेंड योरसेल्फ, उस चीज के लिए प्रॉपर ट्रीट किया जाए, अवेयर किया जाए हर चीज के लिए. वो भी प्रॉपर एक सेशन तैयार किए हैं लड़कियों के लिए कि उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको स्ट्रांग किया जाए. और एग्जैक्टली देखिए अब ये है ना कि हमारी सोसाइटी में तो इस बारे में बात ही नहीं होती. किसी को पता ही नहीं है कि हैरेसमेंट है तो क्या है, किस तरह से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है या आपने किस तरह से उसको बताना है. हम सब एक वो कॉमन रहता है कि चुप रहो, चुप हो जाओ, इस बारे में बात नहीं करते. बेशक अगला इंसान कितना भी उससे अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अगेन बिल्कुल बेसिक लेवल से चेंज लाने की जरूरत है फैमिलीज में, पेरेंट्स में, कि पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें. बिकॉज देखें फॉर एग्जाम्पल इफ अ गर्ल इज बीइंग हैरेस्ड, बेशक वो घर पे किसी रिलेटिव से हो रही है या स्कूल में किसी टीचर से हो रही है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बॉस से हो रही है, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट आता है. शी इज कार्ड फॉर लाइफ. वो उस चीज से निकलना बहुत मुश्किल होता है अनटिल एंड अनलेस शी सीक्स प्रोफेशनल हेल्प, ताकि वो थोड़ा सा मैनेज अप रहे. अब देखिए घर वाले कह दें कि चुप हो जाओ, चुप रहो, घर वालों की इज्जत खराब होगी एंड एवरीथिंग. नो वन थिंक्स अबाउट कि उस खातून पे कितना अफेक्ट आ रहा है, वो कितना उस चीज से बर्दाश्त कर रही है और अफेक्ट हो रही है और वो कितना ज्यादा उसको पिंच कर रही है. तो मेंटल हेल्थ आपकी कितनी अफेक्ट हो रही है उसके साथ साथ नो वन स्टेटेड. अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल सितंबर है, सुसाइड अवेयरनेस, सुसाइड प्रिवेंशन मंथ है, सब बात करते हैं कि सुसाइड के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट नो वन टॉक्स अबाउट द रूट कॉज. सुसाइड लोग करते ही क्यों है,
करते हैं, हुआ ही क्यों है, ठीक है। तो अगेन फाउंडिंग लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके हमें चेंज आने की जरूरत है। तो बेसिकली ये लोग करते क्यों है, यहाँ सवाल कर रहे थे कि क्या ये फ्रस्ट्रेशन है, मेंटली सिक है, या आखिर वजह क्या है इसके पीछे। देखिए पहले तो ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि हेजिमोनिक मेल डोमिनेंस है, कि मेल डोमिनेंस हमारी सोसाइटी में है, कि लोग मर्दों को लगता है हम डोमिनेंट हैं एंड वी कैन डू व्हाट एवर वी वांट टू डू। वो उस चीज को एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए वो काम करते हैं। दूसरा इंसान जब वीक होगा तो उनके दिमाग में एक बना होता है कि एक से वीक मेरे सामने कोई वीक इंसान है तो मैंने उसको इसी तरह से कंट्रोल करना है, अदरवाइज मैं कंट्रोल नहीं कर सकता एवरीथिंग। अगर आपके पास पावर है तो आप उसको अनहेल्दी वे में एक्सरसाइज कर रहे हैं। देन अगर आप उसको थोड़ा सा इटियोलॉजिकल होके देखें तो हो सकता है कि साइकोएनालिटिकली अगर आप उसको देखें, जो इंसान हरासमेंट कर रहा है बचपन में, हो सकता है उसके साथ भी किसी ने हरासमेंट की हो, वो भी उसी फेज से गुजरा हो, और क्योंकि उसकी वो चीज मैनेज अप नहीं हुई है, रेगुलेट नहीं हुई है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज लर्न कर लेता है कि अगर किसी और इंसान को मैनेज करने का या मैनिपुलेट करने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब वो विशियस साइकिल चलती रहती है, वो एक इंसान में चल रही, दूसरे में, तीसरे में। फ्रस्ट्रेशन भी इसको कह सकते हैं डेफिनेटली, इफ योर not regulating your emotions properly, if you are not managing your needs properly, अगर आपको नहीं पता आपने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से मैनेज करना, तो डेफिनेटली इस तरह के अनहेल्दी बिहेवियर्स आएंगे, और वो सिर्फ हरासमेंट की फॉर्म में नहीं आ सकते, वो डिफरेंट आपको एंगर की फॉर्म में आ सकते हैं, किसी भी तरह से आप किसी इंसान को दूसरे सामने ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, या वर्बल हरासमेंट आ रही है, सेक्सुअल हरासमेंट आ रही है, एक्सेट्रा। सुमन यहाँ बात करते हैं सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया ने हमारे यंग माइंड्स और यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया हुआ है, कि हम देखते हैं ड्रामास की सूरत में, मूवीज की सूरत में, और ऐसे यूट्यूब रील्स की सूरत में वो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। सवाल से आप क्या कहेंगे? देखिए अगेन, जैसे मीडिया हमारी ये जैसे कहते हैं ना, मीडिया तो एक बच्चों के लिए दूसरी माँ बन चुकी है, बिल्कुल, कि इतनी शायद उनको अपनी फर्स्ट मदर नजर नहीं आएंगे जितना उनको मीडिया, टेलीविजन, फोन नजर आते हैं। तो मीडिया का हमारी लाइफ से बहुत मेजर रोल है, हम मीडिया को निकाल नहीं सकते अपनी जिंदगी से। हाँ, स्मार्टफोन हर एक के हाथ में होते हैं, 3G 4G नेटवर्क अवेलेबल है, तो यू आर विद द वर्ल्ड, यू आर गोइंग ऑन विद द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि अगर मीडिया पे छोटी डॉक्यूमेंट्रीज चलें या कमर्शियल्स चलें इस तरह के, ताकि लोगों को पता चले कि हैरेसमेंट क्या है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट कर सके कि अगर उनके साथ हो रही है या नहीं हो रही है, किसी जानने वाले के साथ हो रही है तो वो कम्युनिकेट कर सके। देन मीडिया पे ये चीज, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रही है हैरेसमेंट के लिए, कोई हेल्पलाइन नंबर हैं जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उनको शो अप हो, ताकि ऑडियंस को पता चले कि अगर हैरेसमेंट हो रही है तो हमने किस इंसान को कॉन्टेक्ट करना है। देन मेंटल हेल्थ, ये जब हैरेसमेंट की वजह से मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो मेंटल हेल्थ के लिए वो किस प्रोफेशनल को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद जहाँ हमारी बात आ जाती है मूवीज की, ड्रामा की, तो ड्रामा जो मोस्टली जो फीमेल साइड है उसको बहुत वीक दिखाया जाता है, मेल्स को हमेशा डोमिनेंट दिखाया जाता है इन मेनी वेज। दिस थिंग नीड टू चेंज, तो ये एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ड्रामाज में भी देखें तो द पर्सन, द गर्ल एक्चुअली हु इज टेकिंग स्टैंड फॉर हरसेल्फ, उसका बहुत नेगेटिव रोल दिखाया जाता है कि ये स्टैंड ले रही है तो इसका बहुत एक नेगेटिव रोल है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारा माइंड बिल्डअप करना स्टार्ट कर देती हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि हम लोग खुद भी फिर स्टैंड लेना छोड़ देते हैं या स्टैंड लेते हुए झिझकते हैं कि शायद ये हमें नेगेटिव इमेज ना जाए, हमारा नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे ना हो। तो नो डाउट मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये मीडिया पे डिपेंड करता है कि वो अपनी सोल को पॉजिटिवली एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं एक्सरसाइज कर रहा पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच। यहाँ बात करें तो हम खवातीन को किस किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, सुंदर ने बहुत अच्छी बातें की, और उन्होंने बताया कि किस तरह खवातीन इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपना लोहा मनवा सकती हैं। तो नाज़रीन यहाँ हुआ है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एपीसी से खिताब कर नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज अपने खलूस और एफर्ट्स के साथ पाकिस्तान भर से यहां पर एक नुमाइंदा इजलास का एहतमाम किया और एपीसी से पहले प्री एपीसी का इंतजाम किया, जिसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और तहसीन पेश करता हूं। तमाम बुजुर्गों और भाइयों ने बड़ी तफसील के साथ उस एजेंडा के ऊपर अपनी राय पेश की, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपको रेपिटेशन करके आपको बोर करूं, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि जो बातें आज यहां पर की गई, चाहे वो जजेस के इंतखाब के हवाले से कि उनका क्या मेयार होना चाहिए, उनकी क्या काबिलियत ईमानदारी का बेंचमार्क होना चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी जाती पसंद नापसंद से वो बालातर हों, और फिर एहतसाब के हवाले से जो आपने जो एजेंडा आइटम यहां पर रखा और शहरी आजादियों और बात करने के हक के हवाले से जो आपने ये एजेंडा बनाया, इससे ज्यादा आज के हवाले से कोई और इंपॉर्टेंट एजेंडा नहीं हो सकता। और यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने कुर्बानियों के लिहाज से जो बातें फरमाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके खानदान ने यकीनन जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियां दी हैं जो कुर्बानी की इंतहा होती है, और पूरी कौम
इस बात की मोतरफ है कि इस बाग में इनके खानदान के जोमा का खून शामिल है। इसी तरीके से यकीनन बलूचिस्तान में, केपीके में और पंजाब में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मौके के ऊपर हमारे पश्तून भाइयों ने, बलोच भाइयों ने और पंजाब के अवाम ने बहुत ग्रां कदर खदमात और कुर्बानियां दी हैं, जिसका इस मुल्क की तारीख में हमेशा जिक्र रहेगा और याद किया जाता रहेगा। मेरे बुजुर्गों भाई और बहनों, पहली बात तो यह है कि आज चूंकि बार के यहां पर स्टार्स बैठे हैं और स्टार पॉलिटिशियन बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोमिनेंट यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ के हवाले से नशेब फराज आते रहे। वो अदवार भी आपको याद होंगे जब मौलवी तमीजुद्दीन के केस में किस तरह जस्टिस कर्नियस ने डिसेंडिंग नोट लिखा था, और फिर वो भी दौर आपको याद होगा, उन जज साहब का भी नाम याद होगा जिन्होंने पहली मर्तबा नजरिया जरूरत को इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर जस्टिस कियानी जैसे अजीम लोग भी आपको याद होंगे, और वो जज भी आपको याद होंगे जिन्होंने बाद में, बहुत बाद में ये कहा एक इंटरव्यू में कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो फैसला मैंने दबाव के तहत किया था, और वो जज भी आपको याद होंगे जस्टिस शफी रहमान, जिनके जवां बेटे की उनकी वो इंतकाल कर गए और वो जनाजा पढ़ाने और दुआ खैर करने के बाद फिल फॉर वापस आए और अदलिया में अपनी जिम्मेदारी संभाली, और फिर आज के जमाने में जस्टिस जज अरशद मलिक का भी सारा किस्सा आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि ये उतार चढ़ाव क्यों? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि माशरे में काम करने वाली खवातीन के मसाइल के बारे में, कि अगर वो अपने बॉस को चाय के कप पर इनकार कर देती है तो उसको टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। हम औरत को किस तरह एक महफूज माहौल में ऐसे कर सकते हैं? अब हमारे साथ मौजूद है इफ्फत सोनू साहबा, तो उनसे बात करते हैं इस सब के बारे में कि वो क्या कहती हैं। वो सामने को इफ्फत साहबा। वालेकुम अस्सलाम, खैर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्फत साहबा, आज हम बात कर रहे थे कि खवातीन को दौरान मुलाजमत बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। जिस तरह तमाम दफातर में अब खवातीन भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं, जिस तरह के मर्द हजरात हैं, खवातीन वो अपनी अहमियत का एहसास हो गया है, माशरती तौर पर भी माशरे को भी अवेयरनेस हो गई है, खवातीन को अलाउ भी किया जाता है और उनको काम करने की इजाजत भी दी जाती है, उनको एजुकेशन भी दी जाती है। इदारों के अंदर के माहौल के हवाले से ज्यादा बात करते हैं, कितना ज्यादा जो वर्क प्लेस के ऊपर खवातीन के साथ हरासमेंट हो रही है, उसकी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसको जो है बहुत ज्यादा इसको जो है ना वो नोटिस किया जा रहा है कि तमाम जगहों पर जो है खवातीन वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा बेसिक फैसिलिटीज की कमी की वजह से या प्रॉपर उनकी जिस तरह खवातीन की लाइफ, उनकी बर्थ के हवाले से, उनकी जो काबिलियत के हवाले से खवातीन को हमेशा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उनकी कॉम्पिटेंसी, अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट खातून है तो भी ये सोचा जाता है कि कोई हमें रिप्लेस ना कर दे, तो खवातीन को अपने सीनियर के साथ इवन जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके उनसे भी उनको मुख्तलिफ किस्म के हरासमेंट होती है, उनके वक्त को उनके वक्त के तौर पर ना लिया जाना बल्कि उसकी क्रेडिट जो है वो सीनियर का ले लेना, उसके अलावा
वर्क प्लेस पर उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज का ना होना, स्पेशली रिटायरिंग रूम का ना होना, स्पेशली अगर वो शादीशुदा खवातीन है तो वहाँ पर उनको छोटे बच्चों के हवाले से डे केयर सेंटर का ना होना, या उनकी सिटिंग पोजीशन ऐसी होना कि जिसमें उनको काम करने में आने जाने वाले लोगों की तरफ से हरासमेंट को फेस करना, ये एक बिग इशू है और इस पर अभी तक बहुत कम जगहों पे जिसको एड्रेस किया गया है। पाकिस्तान अगर से 2010 से वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट एंड वर्क द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑफ द वर्क प्लेस एक्ट 2010 जो है अगर से ये एक्ट आ चुका है, इसके बायलॉज भी बन चुके हैं और इससे रिलेटेड कमेटियां भी बन चुकी हैं और इंक्वायरी कमीशन तमाम इदारों में बना दिए गए हैं, लेकिन इसका नेगेटिव भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर खातून जो है अपनी हरासमेंट कमेटी में जाती है तो उसको समटाइम उसको प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए इस का कुछ किया जाता है कि वो खौफजदा हो जाती है, परेशान हो जाती है, मालूमात का पब्लिक हो जाना जो कि देखा गया है, हालांकि उसमें बेसिक लॉ में ही चीज मौजूद है कि मालूमात किसी भी सूरत पब्लिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ सोशल मीडिया में बहुत तेजी से ऐसी मालूमात आ जाती है, तो इससे फायदा क्या, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज ऐसी पॉलिसी एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि अगर औरत को प्रेशराइज किया जा रहा है या औरत ऐसी कोई भी चीज फेस कर रही है तो उसके खिलाफ वो स्टैंड ले सके? जी बिल्कुल, हमारे बेसिक लॉ में भी है, पीसीसी के अंदर भी, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन 354A जो है वो इसका यानी वाजी और क्लियर है इसमें कि खातून के ड्रेसिंग के हवाले से उसको बड़ा वाजे है और इसके अलावा उसकी कोई चर्चा भी वगैरह इंटरनेट पर लगाना इसकी पनिशमेंट बड़ी यानी मीनियस ऑफेंसेस को कंसिडर कर रहे, उम्र कैद है इसकी सजा। इसी तरह और भी बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे पिटिशन आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं, साथ ही मुतसिब तक बकायदा इदारा बन चुका है पंजाब के अंदर जो कि 2010 से जिसका निकाल भी हो चुका है और जो मुतसिब खातून है वो उससे काम भी कर रही हैं 2013 से और अभी भी इस टाइम भी वो इदारा एक्टिव है। बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन आज हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन को किस किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर एक कंपनी में औरत बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसके खिलाफ मुझे लगता है कि इर्द गिर्द के लोग बहुत सारे उसको प्रेशराइज करने के लिए मौजूद होते हैं, तो यहाँ जरूरत है तरबियत की कि हम में वाकई वो सिंबल वाली बात कि हमने सोशल मीडिया को फर्स्ट मदर डिक्लेयर कर दिया। हमारे वालदैन जो छोटे बच्चों की तरफ तो ध्यान नहीं देते तो सोशल मीडिया की तरफ ही उन्होंने सारा रुझान कर दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद इफ्फत समरू और सुंदर शहजादी को अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसके साथ ही अपने मेजबान इंदिरा राजा को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।